तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इधर से स्वाइप कर देता हूँ तो मेरा फ़ोन बैक हो जाता है, अगर मैं इस तरफ से कर देता हूँ तो रिफंड एप्लीकेशन ओपन हो जाते हैं जिनको मैं इस तरफ से जो है निकाल पाऊँगा एंड इस तरफ से मेरा फ़ोन यूज होता है। ठीक है, आप इन बटन्स को किस तरफ से हाइड कर पाओगे अपने सैमसंग के फ़ोन में, पूरा कंप्लीट वीडियो एंड तक देखिएगा, मैं आपको अच्छे से सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। अगर आपके पास रियल मी का, ओप्पो का या कोई और मोबाइल फ़ोन है तो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, आप मुझे फॉलो करके उनमें से जो है जेस्चर्स के जरिए आप कर पाओगे, मतलब बटन्स को आप हाइड कर पाओगे। ठीक है, तो ये सभी किस तरह से करना है चलिए मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों आपको फ़ोन की सेटिंग में आ जाना है, जो फ़ोन की सेटिंग होती है मेन उसके अंदर आपको आना है। आने के बाद दोस्तों सिंपली से आपको ये वाला इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अभी आपको दोस्तों यहाँ पर नीचे आना है, नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जनरल का, तो यहाँ पर आपको नीचे जनरल का ऑप्शन मिल जाता है, जनरल मैनेजमेंट का, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली से आपको आ जाना है जो है नीचे। नीचे आने के बाद आपको नेविगेशन बार मिल जाएगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए पहले आपका यहाँ पर बटन पर रिफ्लेक्ट रहेगा, यहाँ पर आपके बटन दिखाई दे रहे होंगे है ना, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है स्वाइप जेस्चर पर। उसके बाद आपका जो बटन्स हैं वो हाइड हो जाएंगे। हाइड होने के बाद दोस्तों अभी आप जो है मेरी तरह फ़ोन को यूज कर पाओगे इस तरफ से एंड इस तरफ से आप पैक कर पाओगे। ठीक है, आपके बटन टोटली हाइड हो जाएंगे। अगर आप फिर से ये बटन यहाँ पर लाना चाहते हो, आपको ये जेस्चर समझ में नहीं आ रहे, अच्छे नहीं लग रहे, तो सिंपली फिर यहीं पर क्लिक करेंगे एंड आपको बटन पर क्लिक कर देना है, आपके बटन जो है वो वापस आ जाएंगे। तो इस तरफ से आप जो सारा सिस्टम कर पाओगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।